तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम सोयाबीन चाप ले ली है। मार्केट में आपको ओपन भी मिल जाएंगी, इनका पैकेट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टिक है, हम उस स्टिक को चाप से अलग करेंगे, ये देखिए। उसके बाद अलग करने के बाद हम इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। वैसे आप चाहें तो पूरी चाप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आज मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर कर बना रही हूँ। तो बस अब हम सभी चाप को इसी तरह कट कर लेते हैं और रेडी कर लेते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है सारी चाप जितनी भी थी। अब सबसे पहले जब हमने चाप कट कर ली तो अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए क्या है, हम यहाँ पर कर रहे हैं डीप फ्राई। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। डीप फ्राई का मतलब बहुत ज़्यादा तेल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मीडियम मीडियम तेल भी होगा तो भी चलेगा। जब तेल हमारा हल्का गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, बिल्कुल मीडियम गर्म हो, तब जितनी भी चाप उस कढ़ाई में आएंगी अब हम वो हम इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन चाप को हमें फ्राई करना मतलब ये नहीं है कि हमें उसे पकाना है, हमें उसकी लेयर्स बनानी है। क्योंकि सोयाबीन चाप जब बनती है तो उसकी लेयर्स के साथ बनती है, इसलिए उसकी लेयर्स को सेपरेट करने की कोशिश करना है। तो लो फ्लेम पर आप चलाते रहिए थोड़ा थोड़ा, 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। लो फ्लेम के अंदर इसका कलर बहुत अच्छी तरह से बदल कर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसका कलर जो है काफ़ी अच्छी तरह से ब्राउनिश टाइप में हो चुका है, हल्का हल्का। और आप देखिए इसकी हल्की हल्की लेयर्स भी दिख रही हैं। तो बस सोयाबीन चाप तो हमारी हो चुकी फ्राई। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक सॉरी लहसुन, हरी मिर्च और 2 टमाटर। अब यहाँ पे जो हमने प्याज ले लिए थे, इन्हें मैंने इस तरह से रफली काटा हुआ है क्योंकि मैंने मिक्सी में पीस रही हूँ। तो 2 प्याज हमने इसमें डाल दिए। अब इन्हें पीस लेंगे हम और उसे हम इसमें निकाल लेंगे कटोरी में या किसी बर्तन में आप निकाल दीजिए। यहाँ पे मैंने जो 2 प्याज लिए थे वो मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा बड़े प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसी जार में हमने जो टमाटर ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च काट कर रख ली थी और लहसुन की 7 से 8 कलियाँ, उन्हें भी छील लिया था, वो डाल दिया है। आप चाहें तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं छील कर, और टमाटर ऐड कर दिए। अब इसे भी हम पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ढक्कन लगा देंगे और इसे भी बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार कर देंगे। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें हमारी पिसकर तैयार हो चुकी हैं। तो बस फिर देर न करते हुए चलिए ग्रेवी की ओर बढ़ते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या लेना है, सबसे पहले वो कढ़ाई जिसमें हमने अभी डीप फ्राई किया था उसमें सिर्फ आधी छोटी कलछी के करीब मैंने तेल रहने दिया है, बाकी सारा तेल बाहर निकाल लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है बटर। देखिए बटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, पर बटर से इसका टेस्ट बहुत टेस्टी सा आता है, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। सो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें ऐड कर पाएँ। अब हम इन्हें मेल्ट होने देते हैं बटर को। जैसे हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा, हम इन्हें जो प्याज की पेस्ट बनाई थी वो अब हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक प्याज का जो कलर है वो हल्का हल्का ब्राउनिश ना हो जाए। तो अब आप देख पा रहे हैं इस तरह का कलर हमें चाहिए। देखिए हल्का हल्का ब्राउनिश हो चुका है प्याज, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है ये इसके लिए। तो अब बस हमने जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी अब हम इस स्टेज पर इसे डाल देंगे, इसका कलर को और डार्क नहीं होने देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। ध्यान रखिएगा जितने आप प्याज डालें उतने ही टमाटर डालिएगा, रेशो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 3 प्याज का इस्तेमाल करें तो टमाटर का भी 3 इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसकी ग्रेवी का जो टेस्ट हो वो बिल्कुल बैलेंस हो सके। अब यहाँ पे टमाटर ऐड करने के बाद अब हम बनाएंगे एक सूखा मसाला। तो उस सूखे मसाले को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा पहले देख लेते हैं। तो जार में भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि जार में थोड़ा सा मिक्सचर लगा रहता है हमेशा। अब ये मिक्स करने के बाद पहले सूखा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का,
या डेढ़ छोटा चम्मच। दो से तीन पिंच हमने यहाँ पर हल्दी के डाले हैं। यहाँ पे मैंने जो लाल मिर्च हम डेली इस्तेमाल करते हैं वो डाली है आधा छोटा चम्मच, और एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। इससे इस रेसिपी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप अगर नहीं भी है तो स्किप कर सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब गर्म मसाला। ये सारी चीज़ें हमें हमेशा घर में मिल जाती हैं, और मैंने वहाँ पर आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी ले लिया है। इसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल आखिरी में करूँगी। तो पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे टमाटर और प्याज की पेस्ट के साथ। देखिए टमाटर भी थोड़े से भुने जा चुके हैं तब तक। अब ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए, और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सूखे मसाले मिक्स करने के बाद जो टमाटर की पेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से भुनी हुई होनी चाहिए। आप अभी इस पेस्ट का कलर देख लीजिए। और अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और इसे ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट तक पकने दूँगी। बीच बीच में आप ढक्कन उठाकर इसे चलाते भी रहिए, पर टमाटर की जो पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जानी चाहिए। तो ये देखिए अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और मैंने बहुत अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर बीच बीच में चलाते हुए इसे भुना है। मतलब अभी इसके कॉर्नर से तेल सेपरेट होने लग गया है। इस रेसिपी में मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल सेपरेट नहीं हो रहा है, बट दिखाई दे रहा है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जहाँ मैं मसाले को कर रही हूँ वहीं उसी ओर जा रहा है। मतलब ये बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली भुन चुका है। सबसे ज़रूरी मसाला भुनना ही है यहाँ पर। अब हमने जो सोयाबीन चाप को फ्राई करके रखा था, अब हम वो इस मसाले में ऐड करेंगे, और इसे भी 5 मिनट तक भुनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ सेट हो जाए। तो अब जब आप देखें कि 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भुना जा चुका है, काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी आपको। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। देखिए पानी का मेज़रमेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपको आधे गिलास के करीब ग्रेवी चाहिए ना तो इसमें 1 गिलास पानी डालना है। मतलब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसका डबल पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। डबल क्यों इस्तेमाल करेंगे वो आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि आधे गिलास के करीब थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी मुझे चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। जैसे इस ग्रेवी में एक उबाल आएगा आप इसे हल्का सा चख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप इसी स्टेज पर मैनेज कर लीजिए। मुझे सब बैलेंस लग रहा है, तो अब मैं बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखूंगी और इसे ढक्कन लगकर पकने देंगे कम से कम 15 मिनट तक, क्योंकि सोयाबीन चाप जो होती है उन्हें पकने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है फ्राई करने के बाद। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं तेल थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो रहा है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, बट अभी भी मुझे इसे थोड़ा और पकाना है। पर इस स्टेज पे मैं एक छोटा सा काम करूँगी। आपको याद होगा मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, ये भुनी हुई कसूरी मेथी है। इसे हाथों में लेकर इस तरह से हम रब करेंगे और इसके ऊपर ग्रेवी के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए इसे भी मैं मिला लेती हूँ। अब ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट और पकने दूंगी इसे, ताकि सोयाबीन का जो टेस्ट है चाप का वो बिल्कुल अंदर तक चला जाए और पक कर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो। तो बस ढक्कन लगा देते हैं, और अब फाइनली 10 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया। 10 मिनट के बाद जब मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी तो अब आप देखेंगे इसकी ग्रेवी भी आधी हो चुकी है और तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। मतलब बिल्कुल परफेक्टली हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।